हेलो फ्रेंड्स, तो ये है जेड डायनेस्टी का फोर्थ पार्ट। इसके पहले पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक मंकी शाओ फैन को बहुत तंग करता है और वो लिंजर के साथ उसे जंगल में पकड़ने जाता है। वहीं एक तालाब में शाओ फैन को एक छड़ी नजर आती है जो उसके मैजिकल ऑर्ब से जुड़ना चाहती थी और इसकी पावर से वो बेहोश हो जाता है। तो ये एपिसोड शाओ फैन के रूम से शुरू होता है जहां वो वापस से होश में आ जाता है और देखता है कि मास्टर बुई की वाइफ सू उसके सामने बैठी हुई है। वो शाओ फैन से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है और तभी वहां मास्टर बुई आ जाता है और कहता है कि तुम तो वहां प्रैक्टिस करने गए थे, तो फिर ये सब कैसे हो गया। वो जानना चाहता है कि आखिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर है जिसने उसके क्लैन के फाइटर्स की ऐसी हालत कर दी है। तब शाओ फैन उसे उस मंकी के बारे में बताता है कि कैसे वो काफी दिनों से उन्हें बहुत तंग कर रहा था और जंगल में वो लोग उसे ही पकड़ने गए थे। बुई को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके फाइटर एक मंकी से भी हार गए, लेकिन सू उसे समझाती है कि अब गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ चुके हैं। फिर वो शाओ फैन से आराम करने को कहती है क्योंकि इस हादसे से वो कमजोर हो गया है। बाहर वो बुई को बताती है कि जो कुछ हुआ वो बहुत अजीब था और जिस हालत में ये मुझे मिले थे उसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था। इस पर बुई कहता है कि वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स लड़ने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। उधर शाओ फैन के रूम में हम उस मंकी को देखते हैं जो अपने साथ तालाब वाली वो स्टिक भी लेकर आया है और तभी किसी के आने की आवाज़ सुनकर वो छुप जाता है। पता चलता है कि ये लिंजर है जो खुद भी उस मंकी को ही ढूंढ रही है, लेकिन वो उसे देखकर बाहर भाग जाता है। लिंजर शाओ फैन को अपने साथ आने को कहती है और बताती है कि आज मैं उस मंकी को नहीं छोड़ूंगी। बाहर वो अपने डॉग से उस मंकी को पकड़ने को बोलती है, लेकिन मंकी भी बहुत चालाक था और स्टिक को फेंककर डॉग को खुद से दूर भेज देता है। लिंजर भी अपने डॉग के बेवकूफी से सर पकड़ लेती है और तभी वो देखती है कि मंकी उसे चिढ़ाकर भाग रहा है। वो भी उड़कर उसके पीछे जाने लगती है और अपने स्कार्फ से उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी शाओ फैन बीच में आकर उसे रोक लेता है और लिंजर कहती है कि अब इस मुसीबत को तुम ही संभालने वाले हो, लेकिन याद रखना कि ये मेरे डॉग को बिल्कुल तंग ना करे। शाओ फैन भी उससे प्रॉमिस करता है और मंकी से कहता है कि आज से मैं तुम्हें हुई कहकर बुलाऊंगा। मंकी ये सुनकर खुश हो जाता है और शाओ फैन को अपनी लाई हुई वो स्टिक देता है। रात को हम शाओ फैन को फिर से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं जहां उसकी की एनर्जी का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी उसे स्टेबल करने में बहुत टाइम लगेगा। शाओ फैन खुद से प्रॉमिस करता है कि ये प्रैक्टिस मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है और मैं इसे मास्टर करने के लिए और मेहनत करूंगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो एक माउंटेन पर तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अंधाधुंध एक चट्टान पर ढेर सारे वार करता है और तभी उसे मास्टर केंगजोंग की आवाज़ आती है जो कहता है कि आज तुम थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हो और ये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए खतरनाक हो सकता है। वो लिन से उसकी तलवार लेता है और कहता है कि मेरे क्लैन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और तुम्हें तलवार इस तरह से चलानी चाहिए ताकि इसका निशाना कभी ना चूके। आगे वो उसे तलवारबाजी के कुछ स्टेप्स दिखाता है और लिन देखता है कि उसने उस चट्टान को चूर चूर कर दिया है। केंगजोंग उसे ये स्टेप्स रिपीट करने को कहता है और सोचता है कि इस लड़के में गजब की पोटेंशियल है। फिर कुछ सोचकर वो माउंटेन से नीचे कूद जाता है और लिन को समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उसकी आंखें मास्टर को ढूंढने लगती हैं और तभी वो देखता है कि वो बादलों से निकलकर ऊपर की ओर ही आ रहे हैं जहां उनके हाथ में एक ड्रैगन स्वॉर्ड है। केंगजोंग लिन से कहता है कि आज तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा कि तुम इस ड्रैगन स्वॉर्ड को पाने के लायक बन चुके हो। लिन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर मास्टर के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। जल्दी ही वो उस पर पूरा कंट्रोल पा लेता है और हम देखते हैं कि उसने स्वॉर्ड की ड्रैगन पावर को एक्टिवेट कर लिया है जिसे क्लैन के दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे थे। फिर वो वापस नीचे जमीन पर आता है और केंगजोंग को विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी उसने इस पर कैसे काबू पा लिया। वो लिन से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम्हारा टैलेंट वाकई काबिले तारीफ है और अब मैं तुम्हें सेट की सुप्रीम स्वॉर्डमैनशिप देने वाला हूँ। वो उसे इसके लिए तैयार होने को कहता है और फिर अपनी तलवार से नाइन हेवन की लाइटनिंग पावर को समन करता है। लिन देखता है कि वो तलवार बादलों से एनर्जी को खींच रही है, लेकिन वो इसके असर को नहीं सह पाता और जल्दी ही बेहोश हो जाता है। आगे का सीन डाजू पीक का है जहाँ शाओ फैन क्लैन के लिए खाना बना रहा है और बताता है कि उसने लिंजर के लिए गिफ्ट तैयार किया है।
तभी लिंजर खुद वहां आ जाती है और पूछती है कि बताओ तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। शाओफेन उस गिफ्ट को छुपा लेता है और कहता है कि मैं तो मेरे बनाए खाने की बात कर रहा था, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। लेकिन लिंजर समझ गई थी कि वो जरूर उससे कुछ छुपा रहा है और वो उस गिफ्ट को छीनने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इसका फायदा उठाकर लिंजर उस गिफ्ट तक पहुंच जाती है। लेकिन इस छीना झपटी में वो गिफ्ट छूटकर एक गर्म पानी के बर्तन में जा गिरता है। तभी उनका सीनियर डेरिन वहां आता है और बताता है कि ड्रैगन क्लैन से कुछ गेस्ट यहां आए हैं। शाओफेन ड्रैगन क्लैन का नाम सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि क्या लिन भी यहां आया है। आगे हम बुई के पैलेस को देखते हैं जहां कियाहो और लिन उससे मिलने आए हैं। बुई उनसे यहां आने का कारण पूछता है और लिन बताता है कि हम यहां सेक्ट की तरफ से एक नोटिस देने आए हैं। बुई उनसे साफ साफ बोलने को कहता है और तब कियाहो बताता है कि ये सेक्ट के मार्शल आर्ट मीटिंग के बारे में है जो इस बार अपनी 100वीं एनिवर्सरी मनाने वाली है और इसीलिए रूल्स को थोड़ा चेंज किया गया है। हर बार क्लैन के लोग अपने 4 फाइटर्स को भेजते थे, लेकिन इस बार वो अपने 9 फाइटर्स को भेज सकते हैं और सेक्ट मास्टर अपना बस एक ही फाइटर भेजेगा। बुई और सू इसका कारण पूछते हैं और कियाहो बताता है कि ये फैसला सेक्ट के किंग ने लिया है और वो चाहते हैं कि इस बार पहले से ज्यादा स्टूडेंट्स को चांस मिले। तभी शाओफेन और लिंजर भी वहां आ जाते हैं और शाओफेन लिन से मिलकर बहुत खुश होता है और पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। लिंजर उससे अपना इंट्रोडक्शन कराने को कहती है और शाओफेन बताता है कि लिन बिल्कुल मेरे भाई के जैसा है। बुई भी उन्हें डेरिन के हवाले करके वहाँ से चला जाता है और सू कहती है कि हमारे गेस्ट का अच्छे से ध्यान रखना। कि हाँ लिंजर के बारे में पहले भी सुन चुका था और कहता है कि इनके टैलेंट के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही बहादुर भी हैं और हाल ही में इन्होंने कल्टीवेशन का 6 लेवल पार किया है। लिंजर भी इतनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और कियाहो कहता है कि इस बार की मार्शल आर्ट मीटिंग में आप बहुत अच्छा स्कोर करोगी। इधर लिन शाओफेन से बाहर चलने को कहता है और वो बात करते हैं कि इतने साल में लाइफ कितनी बदल गई है। शाओफेन उससे गांव के अटैकर के बारे में पूछता है, लेकिन लिन कहता है कि उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मैं तो आज भी थंडर और लाइटनिंग देखकर बुरी तरह डर जाता हूँ। फिर लिन शाओफेन से खुद को चैलेंज करने को कहता है और बताता है कि ये हमारी 99th फाइट होने वाली है। शाओफेन बचपन वाली वो तलवारें निकालता है जो उसने अभी तक संभाल कर रखी थी और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों ही ट्रेनिंग लेकर एक बेहतरीन फाइटर बन चुके थे और एक दूसरे को हराना चाहते थे, खास करके शाओफेन जो अपनी पहली जीत के लिए बहुत बेताब था। तभी लिन उस पर अपनी पावर पंच का यूज करता है जिससे शाओफेन अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पाता और ठीक इसी वक्त वहाँ लिंजर आ जाती है। वो लिन पर बहुत नाराज होती है कि हमारे क्लैन में तुम किसी को बुली नहीं कर सकते और अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। लिन भी उसके अटैक्स का जवाब देने की सोचता है, लेकिन देखता है कि उसका स्कार्फ चलाने का अंदाज बहुत ही यूनिक है और साथ ही वो एक बेहतरीन फाइटर भी है। जल्दी ही लिंजर उसे अपने स्कार्फ में ट्रैप कर लेती है और इससे पहले कि शाओफेन उसे कुछ समझा पाए, लिन अपनी कैद से आजाद हो जाता है और अटैक के लिए अपनी ड्रैगन पावर को समन करता है। फिर वो ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर सीधा लिंजर की ओर बढ़ता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।